हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना चैनल फाउंडेशन क्लासेस इंडिया नंबर वन में। अगला वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी का बेल आइकन दबाएं। दोस्तों, अभी मेरा ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस चल रहा है। आप लोग को बता दिए कि टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस को हम तीन पार्ट में बांटे हैं, जिसमें पहला भाग आपको बताया ट्रेन, दूसरा पार्ट में आपको ट्रेन से संबंधित प्रश्न चर्चा किए थे। दूसरे पार्ट में दोस्तों बोट एंड स्ट्रीम, नाव तथा धारा से संबंधित प्रश्न चर्चा किए थे। और ये तीसरा पार्ट है दोस्तों, ये टाइम एंड डिस्टेंस का, ये टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तीसरा पार्ट है। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का तीसरे पार्ट आप पढ़ेंगे। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। टाइम एंड डिस्टेंस, समय और दूरी, इसमें दोस्तों आपको बता दिए थे, इसका जो फर्स्ट क्लास हुआ था उसमें जो फॉर्मूला बताए थे वही फॉर्मूला दोस्तों यूज होगा। जो फॉर्मूला बता दिए थे वही फॉर्मूला का हम लोग यूज यहां करेंगे। कभी भी आपको हमेशा याद रखना है कि किलोमीटर पर आवर से अगर चेंज करना हो आपको मीटर पर सेकेंड में, या मीटर पर सेकेंड से आपको चेंज करना हो किलोमीटर पर आवर में, तो आपको क्या करना है। कभी भी किलोमीटर पर आवर से आपको मीटर पर सेकेंड में चेंज करना है तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, आपको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना है। कभी भी मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है आपको, तो कुछ नहीं करना दोस्तों, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देना है। आप कहेगा सर इसको याद कैसे रखेंगे, कुछ नहीं करना है दोस्तों। देखिए ये जो दिया हुआ है कि बड़ा है, बड़े से छोटा में जा रहा है, किलोमीटर पर क्या है, किलोमीटर तो बड़ा हुआ और ये मीटर तो छोटा हुआ, तो जब बड़े से छोटा में जाएंगे तो कहीं छोटे से मल्टीप्लाई, 5/18 से मल्टीप्लाई, और ये मीटर पर सेकेंड से अगर किलोमीटर पर आवर में अगर चेंज करना है कि छोटे से बड़े में जा रहे हैं, जब भी छोटे से अगर बड़े में जाएंगे कहीं तो बड़े से मल्टीप्लाई, बड़ा से छोटा में जाए तो छोटा से मल्टीप्लाई, छोटा से बड़ा में जाए तो बड़ा से मल्टीप्लाई। अब कहिएगा सर ये हुआ कैसे, तो चलिए बताते कि हुआ कैसे। कभी भी किलोमीटर पर आवर से अगर मीटर पर सेकेंड में चेंज करना हो तो बताइए कि किलोमीटर का मतलब क्या होता है, किलोमीटर मीन्स क्या होता है बताइए। किलोमीटर मीन्स होता है 1000 होता है कि नहीं होता है, और ये आवर मीन्स क्या होता है, बाय में ये बटन चला जाएगा यानी कि 60, तो 60 से डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा बताइए, आप कई मिनट हो गया। फिर मिनट को अगर चेंज करना हो कि इसमें सेकेंड में, तो 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, कहीं 5 2 10, 6 3 3 2 6, तो 5/6 3 18 आ जाएगा। तो दोस्तों यहां से आता है जस्ट अपोजिट दोस्तों, आप लोग अगर मीटर से पर सेकेंड से चेंज कीजिएगा तो किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। चलिए दोस्तों, इसमें आपको जो फॉर्मूला बताए थे ये आपको याद रखना था। एक फॉर्मूला बताए थे आपको कि चाल बराबर दूरी बटे समय, यही बताए थे फॉर्मूला आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय, अर्थात चाल को स्पीड बोला जाता है, दूरी को डिस्टेंस बोलेंगे और समय को टाइम बोलेंगे। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय, इसी फॉर्मूला से दोस्तों सारा टॉपिक, सारा ये चैप्टर सॉल्व करेंगे। कभी भी अगर दूरी का फॉर्मूला अगर देखना हो तो दूरी बराबर कहीं चाल गुने समय, समय का फॉर्मूला देखना हो तो कहीं समय बराबर क्या लिखेंगे आप ही बताइए, दूरी बटा चाल। यहां से अगर निकालेंगे दूरी बराबर, तो दूरी बराबर क्या होगा, चाल गुने समय, चाल बराबर दूरी बटा समय, और समय बराबर निकालना है तो कुछ नहीं करना, देखिए समय बराबर इसको हम क्या डिस्टेंस इसको डिनोट किया, डिस्टेंस इक्वल टू क्या लिखेंगे, स्पीड इंटू टाइम। अगर टाइम का हमको फॉर्मूला चाहिए तो क्या करेंगे, टाइम का फॉर्मूला चाहिए तो डिस्टेंस में डिवाइड कर देंगे किससे, स्पीड से, तो अर्थात समय बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बटे चाल। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखा जाए तो, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या होगा, 16 मीटर पर सेकेंड का मान क्या है, 16 दिया हुआ है आपको, ये मीटर पर सेकेंड में दिया हुआ है, आपको पूछ रहा है कि किलोमीटर पर आवर में क्या। अब ये बताए थे जब भी छोटे से बड़े में चेंज करना हो तो क्या करना है, आपको बड़े से मल्टीप्लाई कर देना है, तो बड़ा क्या है 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कोई दिक्कत, चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसको, मल्टीप्लाई करेंगे क्या होगा, 16 8 128 का 8 में कितना है 12, 16 1 16 12 कितना हो जाएगा, 16 2 18 10 28, यही ना होगा 28, डिवाइड करना है 5 से,
तो आपको बता दें कि कभी भी अगर आपको 5 से डिवाइड करना हो तो कुछ नहीं करना है दोस्तों, कुछ नहीं करना है, इसको दोगुना कर दीजिए तो 8 2 जा कितना हो जाएगा 16, 2 2 जा 8 2 जा 16, हैंड में 1 2 2 जा 4, 1 कितना हो जाएगा 5, और 1 2 जा 2, और एक डिजिट के बाद आप क्या करें डेसिमल दे दें, तब ये 25.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएगा। सॉरी गलत हो गया, यह गलत हो गया था। देखिए 16 8 कितना हो जाएगा 128 का 8 में कितना है 12, 16 कम 16 और 12, 16 2 18 10 28 ना हो जाएगा, और इसको 5 से डिवाइड करने के लिए कुछ नहीं करना है, 2 8 2 16 8 2 16 1 17 और 2 2 4 1 5, एक अंक के बाद डेसिमल दे दिया, यानी कि 57.6 किलोमीटर पर आवर आपका आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 2 54 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से इनमें से किसके समान होगा, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, 54 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, तो आपसे पूछ रहा है कि मीटर पर सेकंड में, जब भी बड़े से छोटा में चेंज करना हो, जब भी बड़े से छोटा में चेंज करना हो तो कहीं छोटे से मल्टीपल है, यानी कि 5/18 से, तो 18 3 = 54, 5 3 = 50, यानी कि 15 पर मीटर मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए क्या है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसकी चाल मीटर पर सेकंड में क्या है, एक कार की चाल 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है, 72 किलोमीटर पर आवर है तो इसको बताना आप इसकी चाल मीटर पर सेकेंड में, तो कहीं बड़े से छोटा पूछ रहा है, जब भी छोटे से बड़े से छोटे पूछे तो छोटे से मल्टीपल है, 5/18 से मल्टीपल है कितना हो जाएगा 18 4 = 72 और 5 4 = 20 मीटर पर सेकेंड आंसर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका था, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, एक व्यक्ति 5 मिनट में 600 मीटर की दूरी तय करता है तो किलोमीटर पर घंटा में उसकी चाल क्या है, तो दोस्तों चाल पूछ रहा है आपसे, तो चाल बराबर अभी क्या बताए थे आपको, चाल बराबर अभी फॉर्मूला क्या बताए थे बताइए, चाल बराबर क्या बताया, दूरी बटा समय, दूरी है 600 मीटर और समय क्या है 5 मिनट, तो कहिए तो गलत हो गया, क्योंकि ये तो मीटर में है, ये तो मिनट में आ गया, लेकिन ये मिनट में नहीं होना चाहिए कभी भी, ये मिनट में कभी भी नहीं आना चाहिए, तो आप इसको क्या करें सेकंड बनाइए, क्योंकि मीटर पर सेकेंड ही आता है यहाँ, तो इसको अगर सेकेंड बनाएंगे तो 5 मिनट, अगर 1 मिनट आप ही बताइए, अगर 1 मिनट में कितना, 1 मिनट में कितना सेकंड होता है 60 सेकंड, तो 1 मिनट में 60 सेकंड, तो आप ही बताइए 5 मिनट में कितना सेकंड होगा, तो 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि 300 सेकंड आ जाएगी, यानी कि ये कितना आ जाएगा 300 सेकंड, अब आ गया दोस्तों मीटर में है, ये क्या है सेकंड में है, तो आपसे क्या पूछ रहे हैं कि किलोमीटर पर आवर में इसकी चार्ज क्या है, अब दोस्तों अब इसको बनाएंगे, आप ही बताइए, एक मिनट रुक जाइए दोस्तों, चलिए आप देखिए यहां तो मीटर पर सेकंड आ गया, यहां तो मीटर पर सेकंड आ गया, और इसको मीटर पर सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो तो बड़े से मल्टीप्लाई, यानी कि 18/5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, कि 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 3 6 = 18 आ जाएगा, तो 6 6 = कितना हो जाएगा 36, और 36/5 मींस इसका डबल कर 36 2 = कितना हो जाएगा 72, अर्थात 7.2 किलोमीटर पर आवर
आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, डी करेक्ट होगा। समझ रहे कि नहीं समझ रहे दोस्तों आप क्वेश्चन, समझ रहे कि नहीं समझ रहे हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर फाइव देखा जाए। क्वेश्चन नंबर फाइव देखिए क्या है। एक धावक 200 मीटर रेस को 24 सेकेंड में दौड़ पूरा करता है तो बताए कि उसकी गति कितनी होगी। तो गति आपसे अभी गति पूछ रहा है आपसे, तो गति पूछ रहा है यानी कि चाल पूछ रहा है। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय। तो ये 200 मीटर आ गया दूरी, समय कितना है 24 सेकेंड है। तो कहीं ऊपर मीटर नीचा में सेकेंड है, कहीं मामला तो फिट है, कहीं मामला तो फिट है। तो क्या करेंगे दोस्तों, इसमें किलोमीटर बराबर आपसे आंसर पूछ रहा है, कहीं बड़े के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए सर, होगा कि नहीं होगा बताइए। कहीं 5 से 5 4 जा 20, यहां से 4 से काटेंगे तो कितना होगा, 10 4 जा 40, 6 4 जा 24, 6 3 जा 18, 3 10 जा 30, यानी कि 30 किलोमीटर बराबर आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों। चलिए क्वेश्चन अगला देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6, एक दूसरे से 65 किमी की दूरी पर स्थित, तो जब भी 65 किमी बोला तो 65 यहां आ गया, क्योंकि 65 दूरी का स्थान तो वही है, चाल का स्थान यहां है, टाइम का स्थान यहां है। 65 किमी की दूरी पर स्थित दो शहरों के बीच की यात्रा को एक मोटर चालक 2 घंटे 10 मिनट में पूरा करते हैं, तो इसकी गति को मीटर प्रति मिनट में क्या है। अब इसकी गति आपको मीटर पर मिनट में बताना है, तो आप बताइए कि 2 घंटा 10 मिनट दिया है, तो 2 घंटा 10 मिनट, तो 2 घंटा 10 मिनट मतलब कितना मिनट होगा। तो कहीं 1 घंटा में 60 मिनट, तो 2 घंटा में कहीं 120 मिनट, 120 मिनट और 10 मिनट कितना होगा, 130 मिनट। कहीं मिनटे में आपको पूछ रहा है, तो कहीं फिट है नीचे में 130 मिनट। अब क्या है, उसी गति को मीटर प्रति मिनट में ज्ञात करें, और ऊपर में क्या है किलोमीटर है, ऊपर में किलोमीटर है, मीटर बनाने के लिए भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कहीं आप ऊपर मीटर आ गया, नीचे में क्या आ गया मिनट, ये आ गया आपको मीटर, ये आ गया आपको मिनट। आप इसको चाल निकल जाएगा आपको मीटर पर मिनट में, आप इसको काट दीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, 35 कितना हो जाएगा 65, और 500 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि 500 मीटर पर मिनट आंसर आ जाएंगे जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है दोस्तों बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 दोस्तों, मेरा हमेशा उद्देश्य रहता है कि कम से कम टाइम में आप लोग को ज्यादा से ज्यादा कंटेंट दे। क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए, क्या है 7, एक व्यक्ति साइकिल से 150 मीटर की दूरी, अब जब भी बोला 150 मीटर के 150 तो यहां आ गया, यहां टाइम आएगा, यहां स्पीड आएगा यानी कि यहां चाल आएगा। 150 मीटर की दूरी 25 सेकेंड में तय करती है, 25 सेकेंड में तय करती है, तो उसकी गति किलोमीटर पर घंटा में क्या। फिर वही पूछ दिया आपसे, कहीं मीटर पर सेकेंड है, किलोमीटर में पूछा कि बड़ा से मल्टीप्लाई कर दीजिए 18/5 से, तो 25/6 कितना आ जाएगा बताइए, 150, 18/6 18 × 6 = 108, आप 5 से डिवाइड करेंगे तो के इसको दुगना कर दीजिए, 8 2 कितना 16 और 2 यानी कि एक अंक के बाद डेसिमल यानी कि 21.6 किलोमीटर बराबर आपका आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट है। समझे कि नहीं समझे दोस्तों क्वेश्चन बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है। क्वेश्चन नंबर 8, एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है, इसी दूरी को 12 किलोमीटर पर घंटा के चाल से तय करने में समय कितना लगेगा। आप बताइए कि एक निश्चित दूरी को 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, तो बताइए यहां से दूरी निकल जाएगा, निकल जाएगा नहीं दूरी। अब यहां देखिए हमको कुछ नहीं पता है, लेकिन पता है यहां चाल आता है, यहां डिस्टेंस आता है, हमको एक ही फॉर्मूला याद रखना है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो यहां 4 किलोमीटर पर घंटा दे दिया है कि 4 किलोमीटर पर घंटा है चाल, 4 किलोमीटर पर घंटा के चाल से 2 घंटे 45 मिनट में तय किया जाता है। अब 2 घंटे 45 मिनट में तय करता है, तो 2 घंटे तो 2 घंटा आ गया, अब 45 मिनट, अब 45 मिनट को आवर में चेंज करेंगे कितना, 60 से डिवाइड, तो इसको काटिए
15 × 45 = 60, 4 × 8 = 8, 3 = 11/4। तो 11/4 यहाँ आ गया आपको, 11/4 नीचे तो ऊपर चला जाएगा, और ये डिस्टेंस आपको फाइंड करना है। कहे दोस्तों यहाँ 4 से 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आपको 11 किलोमीटर आ जाएगा। आप पूछ रहे हैं तो इस दूरी को, यानी कि इसी दूरी को, आप क्या हुआ कि दूरी का स्थान यहाँ है, तो इसी दूरी को कई दूरी ऊपर चला गया। इस दूरी को 12 किलोमीटर/घंटा के चाल से तय करने में समय कितना लगेगा, यानी समय पूछ रहा है, आप 12 किलोमीटर/घंटे से आपको चलना है, तो टाइम पूछ रहा है आपसे, तो टाइम पूछ रहा है कैसे निकलेगा दोस्तों। टी बराबर क्या लिख सकते हैं आपको, 12 t = 11, तो टी बराबर क्या लिख सकते हैं, 11/12। ये क्या आ गया, ये तो आवर में आ गया दोस्तों, इसको मिनट में आपसे पूछ रहे थे, मिनट के लिए क्या 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 × 5 = 11/55 मिनट आ जाएगा आपको आंसर, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। वैसे दोस्तों वैसे ही बना सकते हैं आप, दूरी बराबर यहाँ फॉर्मूला, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर डिस्टेंस निकला, दूरी बराबर क्या लिखेंगे, दूरी बराबर 4 × समय, तो 4 × समय कीजिएगा तो 11 किलोमीटर आएगा। और यहाँ क्या लिखना है आपको, समय बराबर दूरी बटा 4, दूरी कितना है 11/4 कितना है 12, 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, डायरेक्ट आंसर आपको आ जाएगा, कैसे भी बनाएंगे दोस्तों आंसर वही आएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नाइन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर नाइन एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर/घंटा के चाल से तय करता है, वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर/घंटा के चाल से आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। अब दोस्तों एक चीज आपको बता रहे हैं कि अगर हम एक स्थान से, अगर मान लेते हैं ये एक स्थान ए है, ये एक स्थान बी है, अगर हम एक स्थान से बी पर जाते हैं और फिर बी से यही अगर ए पर लौट जाते हैं, तो अगर इसका औसत चाल पूछे तो इसका आपको फॉर्मूला दोस्तों याद रखना है, कभी भी औसत फॉर्मूला जाने की चाल, अगर कोई आदमी चाहे गई वस्तु अगर जाए और फिर आए तो उसका फॉर्मूला स्पीड चाल बराबर फॉर्मूला आता है दोस्तों, औसत चाल का फॉर्मूला होता है दोस्तों, औसत चाल का दो गुने जाने की चाल क्या है ए, अगुने आने की चाल क्या है बी, अबटे दोनों का एडिशन, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, यानी दो गुने जाने की चाल मल्टीप्लाई आने की चाल अबटे दोनों का एडिशन, वही है दोस्तों, वही चीज है आपको क्या है। एक व्यक्ति किसी निश्चित दूरी को 24 किलोमीटर/घंटा की चाल से तय करता है, तो जाता है 24, तो दो गुने जाने की चाल 24, तथा वापस उसी दूरी को 36 किलोमीटर/घंटा की चाल से आता है, तो आने की चाल कितना होगा 36, और दोनों का एडिशन कितना 6 × 4 = 10, 3 × 5 = 60 आ जाएगा, 6 × 6 = 36, 10 × 6 = 60, और मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 24 × 48, 48 × 6 कितना आ जाएगा 6 × 48 = 24, 4 × 28, यानी कि एक अंक का डेसिमल, यानी 28.8 किलोमीटर/आवर इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। मजा आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर टेन देखा जाए। एक मोटर कार, हाँ एक चीज आपको बता दें कि कभी भी आपको याद रखना है कि मान लीजिए एक ट्रेन है, अगर ट्रेन स्टेशन से खुलता है, अगर एक ही दिशा में, अगर समान दिशा में, अर्थात समान दिशा या आप बोलते हैं एक ही दिशा में अगर ट्रेन जाए, तो उसका चाल हमेशा और हमेशा क्या होगा, माइनस होगा, अर्थात घटेगा। दूसरी बात कि अगर एक ट्रेन मान लीजिए दरभंगा स्टेशन से खुला है और दूसरी ट्रेन आ रहा है कि पटना जंक्शन से, अर्थात विपरीत दिशा में, एक ट्रेन इधर से जा रहा है और दूसरी ट्रेन अगर उस साइड से आ रहा है, यानी विपरीत दिशा में आ रहा है, तो हमेशा हमेशा उसका विपरीत दिशा में क्या होगा चाल, विपरीत दिशा में चाल क्या होगा, हमेशा हमेशा झुकेगा। चलिए क्वेश्चन 10 देखा जाए। एक मोटर कार पूर्व दिशा की ओर 75 किलोमीटर/घंटा की चाल से तथा दूसरी मोटर कार भी उसी दिशा में 60 किलोमीटर/आवर की चाल से, उसी दिशा में दोस्तों 60 किलोमीटर/घंटा की चाल से जा रही है, तो पहली की चाल दूसरी की अपेक्षा कितनी कम या अधिक होगी, तो कहिए उसी दिशा में जा रहा है तो चाल हमेशा माइनस हो जाएगा, तो कितना 15 किलोमीटर/आवर हो जाएगी आपको, इससे ज्यादा कम हो जाएगी इसका दूसरी की चाल। कितना सिंपल क्वेश्चन था दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट होगा। समझे कि नहीं समझे बताइए, कितना सिंपल क्वेश्चन था, अगर कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता तो ये कितना जटिल क्वेश्चन हो जाता बताइए।
चलिए क्वेश्चन 11। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखा जाए। यदि क्या है 11, एक कार अपनी यात्रा के 50 किमी के प्रथम भाग को 1.5 घंटा में तय करती है। यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तय करता है तो 70 किलोमीटर की यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में कितना समय लगेंगे। चलिए यदि एक कार अपनी यात्रा के 50 किमी के प्रथम भाग को 1.5 घंटे में तय करती है, यदि वह पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से तय करे, यानी पूरी यात्रा को 50 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से तय करता है तो उसे 70 किमी की लंबी यात्रा के दूसरे भाग को तय करने में कितना समय लगेगा। तो 70 किमी तो ये हो गया, तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 70 किमी ये हो गया, 50 किमी ये हो गया, कितना 50 कितना हो जाएगा, 70 में 50 ऐड करेंगे तो 120 किलोमीटर हो जाएगी। 120 किलोमीटर को कितने 50 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलता है तो यहां से क्या टाइम निकल जाएगा, समय अगर निकल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल, 50 से जाता है तो कहिए 50 जाते तो 0 0 कैंसिल आउट, यानी 2.4 आवर हो जाएगी इसका, यानी इसका समय टोटल समय कितना ले लेंगे ये यात्रा को तय करने में, यानी टोटल 120 किलोमीटर की यात्रा तय करने में वो 2.4 आवर ले लेंगे। लेकिन वह क्या किए हैं कि 1.5 घंटा जो है वो प्रथम 50 किमी को तय किया है, तो 1.5 घंटा इसमें से माइनस कर दें तो 1.5 घंटा माइनस करेंगे तो कहीं 0.9 आवर बच जाएगा। वो कौन यात्रा करेंगे, कहीं दूसरे भाग को तय करेंगे तो आपसे समय पूछ रहा है, तो समय तो निकल गया दोस्तों, ये आवर में है, लेकिन क्या पूछ रहा है आपको, मिनट में, तो ये उड़ाएंगे तो नीचा में 10, आवर को मिनट में चेंज करना है तो 60 से क्या करेंगे दोस्तों मल्टीप्लाई, तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 96 कितना आ जाएगा 54 मिनट आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ये दोस्तों आईटीआई 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन आज के लिए लास्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 12 आज के लिए लास्ट क्वेश्चन, अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचती है तो इस दूरी को तय करने में वास्तविक समय कितना लगेंगे। ये बहुत वाइटल क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार एग्जाम में आता है, आप लोग अच्छा से समझे। अपनी वास्तविक चाल की 3/4 चाल से, अपनी वास्तविक चाल से 3/4 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर नियत समय से 20 मिनट देरी से पहुंचता है। कभी भी अगर देरी से पहुंचता है तो हम देखते हैं कि कितना देरी हो गया, कि कभी भी हमेशा वो 1 हमेशा 100% होता है, आप यहां एक्स मानिए या 1 मानिए, बात इक्वल ही होता है, लेकिन हम क्वेश्चन को हल करते हैं 1 मानकर, तो 1 में से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4, यानी कि 1/4 ये डिस्टेंस जो होगा वो 20 कई होता है 1/4 का लेट, लेकिन होता है कि 20 मिनट का लेट, तो टोटल कितने डिस्टेंस होगा आपका 80 किलोमीटर टोटल क्या होगा डिस्टेंस होगा, अच्छा 80 मिनट टोटल उनको जाने में, ऑफिस जाने में टाइम लगता है। तो आपसे ये आपको नहीं पूछ रहा है, ये पूछ रहा है आपको, आंसर तो हो जाता है आपको 80 डायरेक्ट, आपको ऑप्शन में भी 80 मिल जाएगा एग्जाम में, सोच समझ के आपको आंसर देना है। इस दूरी को तय करने वास्तविक समय, यानी कि जो रियल टाइम है उसको, यानी कि ऑफिस जाने में जो रियल, ये तो एक्स्ट्रा है ना, ये टोटल टाइम करें कि जो रियल टाइम घर से उनको ऑफिस जाने में लगा टाइम वह पूछ रहा है, तो कहीं एक्स्ट्रा तो क्या है यहाँ 20 मिनट लगता है तो 20 इसमें से माइनस कर देंगे तो 20 माइनस करेंगे रियल टाइम कितना आ जाएगा दोस्तों, तो 60 मिनट रियल टाइम आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों बताइए। तो आज ये मेरा टॉपिक कंप्लीट हो गया, टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, आप लोग कमेंट करें बताएं कि अगला टॉपिक कौन सा हम बताएं। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो कृपया शेयर करें दोस्तों, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं कल इसी टाइम पे, थैंक यू, धन्यवाद।